वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नजर जो बदलेगी नजारे बदल जाएंगे, प्यार पन पेगा तो दिल से दिल मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही खास शो में जिसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। हमारे साथ होंगे द फेमस लव एनालिस्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट आचार्य सतीश जी। सो लेट मी वेलकम हिम ऑन आवर शो। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं चाहती हूँ कि हमारे नेक्स्ट कॉलर जो कंटिन्यूसली यू नो कॉल कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के, एकदम स्वागत है। हेलो। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मेरा नाम रीना है। रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं चंदन नगर से बोल रही हूँ, कोलकाता। अच्छा, आप बात करें आचार्य जी से। नमस्कार। आपका नाम? अवस्थ जी, बहुत आशीर्वाद। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, परेशान भी हूँ बहुत। आपकी परेशानी तो देखिए दूर होने का माध्यम मिल गया अब आपको। ओके जी, बताइए। हाँ, मेरा प्रॉब्लम है कि मैं बहुत चिंतित रहती हूँ अपने बेटा के लेकर। वो मतलब अभी 12th का एग्जाम देने वाला है और उस तरह से तैयारी नहीं हो रही है उसकी, और उसका मन भी खूब ज्यादा नहीं लग रहा पढ़ाई में। बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है सारा दिन, मतलब मेरा पीछा पढ़ना पड़ता है, और परीक्षा में वो बैठता है, अगर याद करके भी जाता है तो परीक्षा में बैठता है तो बोलता है कि जैसे लगता है कि मेरा कोई मतलब दिमाग में लगता है ब्रेन मेरा एकदम ब्लैंक हो गया, इस तरह से बोलता है। उसका डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ हुआ 1/5/2000, सुबह 6:40 में जन्म है, सोमवार। कहाँ जन्म हुआ? चंदन नगर। क्या नाम है बच्चे का? आयुष साव। आयुष, मैं आपकी बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है आपका बच्चा है तो बहुत समझदार, बहुत बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ, ये ठीक है, थोड़ा अभी उसका मन कम लग रहा है। बस आवश्यकता है कि आप मतलब से ज़्यादा बोलती हैं और वो थोड़ा मतलब से कम पढ़ रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह से थोड़ा सा अगर बैलेंस कर लेंगे तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा उसे प्रेम से बात करना शुरू करें, थोड़ा कम बोलें। हमेशा बड़बड़ करने से आपकी वैल्यू कम हो रही है उसकी नज़र में, उसे आप मेंटेन करिए। उसके गले में एक शिक्षा लॉकेट पहना दीजिए मंगा करके, और दूसरा काम ये करिए, उसको बोलिए भगवान शिव को दूध चढ़ाना शुरू करें सोमवार सोमवार, और उसकी पुराने क्लासेस की जो बुक्स हैं किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, ज़रूरतमंद बच्चे को दे दें। इससे उसकी शिक्षा, उसका आदर्श बढ़ेगा, और जहां वो सोता वहां नीचे मोरपंख रखवा दीजिए। ये उपाय करने से उनका मन लगेगा और वो अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नजारे बदल जाएंगे, प्यार पन पेगा तो दिल से दिल मिल जाएंगे।